पहले बात करेंगे नालंदा की। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी देर रात बिहार शरीफ पहुंचे और वहां पर जो हालात थे उनका जायजा लिया। डीजीपी के मुताबिक वर्तमान में विधि व्यवस्था नियंत्रण में है। नालंदा और सासाराम में जो भी गड़बड़ियां अब तक हुई है वहां से कुल 109 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की भी जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनसे सख्ती से निपटा भी जा रहा है और जाएगा भी, और जो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको हम पकड़कर कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी करेंगे। वहीं पर डीजीपी ने एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि भी कर दी है। बिहार शरीफ में हालात का जायजा लेने के लिए खुद बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी हैं, वो निकले हैं, सड़कों पर निकले हैं। 9 बजने को है, 9 से अधिक बज चुके हैं। देखिए क्या किस तरीके से वो जो विभिन्न स्पॉट रहे हैं जहां कहीं भी जो हालात बिगड़े थे जिसकी वजह से आज जो स्थिति बनी हुई है, यानी रामनवमी के दिन जिस तरीके से जो जुलूस और जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस यात्रा के दौरान, उस प्रोसेशन के दौरान जो स्थितियां बनी, आखिर किस वजह से कहां पर किस पॉइंट पर जो कह लीजिए कि तनाव हुए, कैसे हुए और किस तरीके से हुए, उस पॉइंट पर पहुंचे हैं। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यह वो पॉइंट है जहां पर जब वो जो यात्रा थी, जो जुलूस थे, वो पहुंचे थे। यहाँ से मनीराम के अखाड़ा पर पहुंचना था और जब इस जगह पर जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, आरएस भट्टी हैं, बिहार के डीजीपी हैं, नालंदा के एसपी हैं और सीनियर अधिकारी हैं, जो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर कहाँ से किस जगह से। और तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एसपी नालंदा हैं वो डीजीपी को बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पर वो जो शोभा यात्रा थी पहुंची थी और बगल में जो मजार है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो स्थितियाँ बनी, काफ़ी तेज गाने बज रहे थे, लोग जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, इसी के बीच में कहीं से कुछ ऐसा होता है और यहीं पे जो कह लीजिए कि आज जो स्थिति बनी है बिहार शरीफ की, उसका जो कहीं ना कहीं प्रमाण रहा है वो इसी स्पॉट पर रहा है। तो रात 9 बजने के बाद भी जो डीजीपी आरएस भट्टी हैं वो सड़क पर हैं, विभिन्न स्पॉट पर निरीक्षण कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही, क्या स्थितियां रही थी, कैसे आखिर इस तरह के दंगे हैं वो हुए हैं। दंगाइयों ने सड़क पर गुंडा नाच किया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। तो तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता हमें दे रहे थे किस तरह से जो डीजीपी है हालातों का जायजा भी ले रहे थे। वही हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़े भी हुए नालंदा से। नवजीत, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अब क्या माहौल है वहां पर और डीजीपी के द्वारा क्या कुछ और अधिक निर्देश दिए गए हैं? देखिए, डीजीपी ने अपने एसपी को साफ कहा कि देखिए जो अफवाह है, दरअसल ये जो पूरा जो शहर है वो अफवाह का एक बारूद बना हुआ है। घटनाएं उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह का जो दंगे होते हैं। हाँ, शुरुआती दिन में जो पहला जो दिन था, आज कह लीजिए कि हिंसा के बाद का तीसरा दिन है, सुबह नॉर्मल स्थिति में लोग हैं, लेकिन अनाउंसमेंट पुलिस और जो कह लीजिए सुरक्षाकर्मी हैं वो हर चौक चौराहे पे तैनात हैं। अफवाहों का बाजार यहाँ पर गर्म है, तो जी मीडिया एक जन सरोकार के नाते आम लोगों से भी अपील करता है कि देखिए ऐसे अफवाहें पे ध्यान मत दीजिए। बहुत तरह की अफवाह चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जिनसे भी बात होती है तो कहते हैं 4 लोगों की मौत, 5 लोगों की मौत, 10 लोग, कई कई की मौत बताते हैं, हत्या बताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों से एक अपील है जी मीडिया की तरफ से कि अफवाह पर ध्यान न दें, जिंदगियां सामान हो रही है, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरा दिन चूँकि आज है, तो जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके सामने काफ़ी कह लीजिए कि परेशानी सामने आ रही है। बिहार शरीफ है वो एक बहुत बड़ा बाज़ार रहा है सब्जी को लेकर के, यहाँ से सब्जी है जो बाहर जाती है, तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उन पर भी अब कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात रहेगी, तो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन के जो सुबह है वो जिंदगी सामान्य से दिख रही है, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, रात में किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। रात 12:30 बजे 1 बजे तक जो डीजीपी बिहार शरीफ पहुँचे थे वो
बिहार शरीफ के विभिन्न सड़कों पर घूम घूम करके खासकर कि उस मार्ग पर गए हैं जहां से रामनवमी के जो जुलूस निकली थी, जुलूस में जहां पर जो हादसे हुए थे, जहां से पथराव शुरू हुए थे, जहां पर हिंसा शुरुआत हुई थी, उस जगह पर जा कर के देखे हैं कि कौन सा क्या किस जगह से पत्थरबाजी हुई, तो उसके रिएक्शन में क्या हुए, जो घरें दुकानें जलाई गई उन चीज़ों को देखे हैं। तो एक एक बिंदु को वो देखे हैं, हर स्पॉट को जा कर के वहाँ पर मुआयना किया है, जायज़ा लिया है कि आखिर कैसे किस तरीके से हुआ। उनके साथ एसपी अशोक मिश्र थे, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दे रही थी। देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ के जो स्थितियाँ बनी हैं उसके पीछे जो जिम्मेवार जो लोग हैं उनको अब गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कल अशोक मिश्र हैं वो बता रहे थे कि 77 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के लिए आपको मैं बता दूं कि सर्किट हाउस में जो CGM थे उनको बुलाया गया, वो स्पेशल कोर्ट लगाए और जो तमाम जो दोषी थे जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है गया था उनको जेल भेजा गया है। तो कड़ी कार्रवाई की जा रही है जिसका नतीजा है कि आज और जो बीता हुआ जो रात रहा है किसी तरह का कोई भी इस तरह की सूचना नहीं आई है कि कहीं कोई हिंसा हुई है। लोग भी कह लीजिए कि एक तरीके से जो हिंसा के बाद जो स्थिति बनती है, पुलिस बल तैनात होते हैं, रोजी रोजगार चले जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस दंगे को कोई भी नहीं चाहेगा कि आगे बढ़े या हिंसा बढ़े, खास करके जो स्थानीय जो लोग होते हैं जिनको रोज यहीं रहना है, चाहे दोनों गुट जो दो पक्ष होते हैं आमने सामने जो होते हैं वो दोनों डरे हुए जरूर होते हैं, लेकिन उनको नहीं होता कि इस तरह की घटना है वो आगे। तो कहा जा सकता है कि आज तीसरा दिन है, कल जो रात वाली जो बात रही थी और जो शाम, चूँकि देखिए आप जो हिंसा की जो शुरुआत हुई थी वो भी शाम का वक्त रहा था। कल माफ़ कीजिएगा, जो हिंसा के दूसरे दिन जो गोलीबारी हुई जिसमें एक युवक की हत्या भी कर दी गई, उस दिन भी शाम का माहौल था। तो कल शाम का जो वक्त था वो काफ़ी अहम माना जा रहा था और टेंस भरा हुआ था कि तनाव था लोगों में कि आज क्या कोई घटना हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल और चौकसी की गई, जो अश्वरोही दस्ते के साथ सड़कों पर कहीं ना कहीं पैदल मार्च किया गया, रात भर सायरन की आवाज़ है वो जरूर सुनाई दी है, कहीं कोई किसी तरह का अप्रिय घटना अभी तक सुनाई नहीं दी है। लेकिन नवजीत, जैसे तरह से बोला भी गया था, क्योंकि गृह मंत्री ने बातचीत भी की थी और केंद्र की तरफ से बताया भी जा रहा था कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जाएगी, वो किस तरह से अभी की जाएगी और कैसे कैसे उसका स्केड्यूल मैनेज किया गया, अगर उसकी जानकारी भी अगर आप दे पाए या DGP ने उसके बारे में भी अगर कुछ जानकारियाँ दी हो। देखिए, बिहार पुलिस के 13 कंपनियां हैं वो इस शहर में मुस्तैद है। जैसा पहले बताया कि हर चौक जहां पे सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पे घटना हुई है वहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और 3 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की 3 कंपनियां गत रात से ही, यानी कल रात नहीं परसों रात से ही तैनात कर दिए। गोलीबारी के बाद जो स्थिति बनी थी, जिस तरीके से हड़कंप मचा था और जो गोली मारी गई थी, उसके बाद से 3 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेज ITBP, आपको सीमा सुरक्षा बल SSB और एक अन्य कंपनी है वो यहां पर तैनात है। उनको उस इलाके में रखा गया है जो अति संवेदनशील है, जैसे जहां पर दो गुटों के बीच जो संघर्ष होने की जो संभावना है उस जगह पर रखा गया। साथ साथ में कुछ ऐसे फोर्सेज हैं सेंट्रल एजेंसी के सेंट्रल फोर्सेज जिनको सड़कों पर घूम रहे हैं, साथ साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। तो एक तरीके से पूरा नज़र बना हुआ है और जब किसी भी शहर में DGP जब पहुंचते हैं तो एक लोगों में खौफ भी जाता, एक मैसेज भी दिया जा रहा था और अनाउंसमेंट देखिए हमारे पीछे सुनाई दे रहा है किस तरीके से कि आप सड़कों पे ना निकलें, 144 धारा लगी हुई है, तो ऐसे में आप सड़क पर ना निकलें। तो जिस तरीके से एक जो ज़रूरत थी, यदि ये जो पहल है 2 दिन पहले कर चुकी होती पुलिस तो कहीं ना कहीं इस तरह के वारदात नहीं हो पाते। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी, जिस संख्या बल से उस जुलूस को निकाला जाना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं लैपसेज रह गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब है वो पूरा का पूरा जो शहर है वो पुलिस के नियंत्रण में है। खास बात यह है कि जो रात बीता है उस रात में पुलिस है वो काफ़ी चौकस रही है, DM, SP और जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं
प्रशासन के जो लोग हैं।